हेलो दोस्तों, फेसबुक ऐप तो भाई यूज़ करते ही होंगे आप लोग। तो भाई आज आपको बताने वाला हूँ फेसबुक की जो है 10+10 से ज़्यादा भाई सेटिंग्स के बारे में, हिडन सेटिंग्स के बारे में, जिन्हें जानकर भाई आप बहुत ही खुश हो जाने वाले हो। तो भाई वीडियो को देखते रहना अगर फेसबुक के बारे में भाई जानना चाहते हो जितना आपको पता है उससे और भी ज़्यादा। तो चलिए भाई आपको ले चलता हूँ फ़ोन की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको डिटेल में और अच्छी तरह समझाऊंगा। तो चलिए भाई चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों फेसबुक ऐप को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं भाई इसकी 10+ सेटिंग्स के बारे में। ये देखिए अब यहाँ से हो चुकी है हमारी फेसबुक जो है ओपन। चलिए तो भाई सबसे ऊपर आपको यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर चलते हैं। और इसके अंदर जाने के बाद सबसे ऊपर भाई आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखिए भाई सेटिंग का निशान दिख रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए भाई ये सारी सेटिंग्स के अंदर होती हैं जो सारी आपके सामने खुल चुकी हैं। तो चलिए भाई इन सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली सेटिंग है भाई न्यूज़ फीड्स के बारे में, ठीक है। तो न्यूज़ फीड्स के अंदर क्या होता है भाई, फेवरेट व्हाट इन योर फीड्स, ठीक है। आप अपने फीड मैनेज हुज पोस्ट्स यू सी इन फीड्स, ठीक है। तो आप इससे यहाँ से मैनेज कर सकते हो कि आप कौन कौन सी फीड्स जो है न्यूज़ की अपने उसके अंदर कौन कौन सी फीड्स को देखना चाहते हो अपनी स्टोरीज में, अपनी उसके अंदर जो सारी फीड्स आती हैं आप किस तरह की देखना चाहते हैं। तो फेवरेट्स पे जाके आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे कुछ फेवरेट्स, यहाँ पे और भी आप फ्रेंड्स को या पेजेस को सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से फिर आप उनकी फीड्स को जो है मैनेज कर सकते हो, किन किन फीड्स को आप देखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद है भाई रिएक्शन प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये होती है हाई नंबर ऑफ रिएक्शन ऑन पोस्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, आपके जो नंबर है यू वॉन्ट सी टू टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन फॉर पोस्ट अदर शेयर टू न्यूज़ फीड्स पेज एंड ग्रुप, ठीक है। यहाँ से कर दो तो आपको पता नहीं लगेगा कितने लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया है। तो रिएक्शन यहाँ से आप इसे ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी पोस्ट का चाहो तो अपनी पोस्ट का भी ऑफ कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से आपकी पोस्ट में ये है अदर्स की पोस्ट में, ऑन पोस्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे उसके जो रिएक्शन है, किसने उस पर क्या रिएक्शन दे रखा है, तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद है नोटिफिकेशन सेटिंग। तो ये सारे जितने भी इसके अंदर चीज़ होती हैं ये सब की नोटिफिकेशन आप बंद करते जैसे होते हैं कमेंट्स की, टैग्स की, रिमाइंडर्स की, मोर एक्टिविटी अबाउट यू, अपडेट फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रेंड रिक्वेस्ट, पीपल बर्थडे, भाई सारी यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन है इनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी यहाँ से आप चालू भी कर सकते हो और यहाँ से बंद भी कर सकते हो। तो सारी नोटिफिकेशन की सेटिंग है और सारी अलग अलग तरह की हैं, सबको यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद भाई नेविगेशन बार, ठीक है। तो नेविगेशन बार के अंदर चू कस्टमाइज द बार का ऑप्शन आता है। इसके अंदर जो भी भाई ऊपर आपको दिखते हैं ना फ्रेंड रिक्वेस्ट का जो आपको ऊपर ऑप्शन दिखता है, ग्रुप्स का, मार्केट प्लेस का, आप सारे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस, प्रोफाइल, ये सब का आपको ऊपर जो यहाँ पे आपको होम पेज पे यहाँ पे दिखाई देते हैं ना, तो वो सारे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियोज़ यहाँ पे आप जो है पिन भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, तो वहाँ से आपका हट जाएगा जो आपको ऊपर मेन पेज पर दिखाई देता है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं और बैक। उसके बाद है लैंग्वेज एंड रीजन। भाई आपने यहाँ से अपनी फेसबुक लैंग्वेज जो है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, फेसबुक की लैंग्वेज जिस भाषा में चाहें उस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद भाई ऑप्शन है मीडिया का, चलिए मीडिया पे भी चलते हैं। अब मीडिया में भाई आप कहते हैं डाटा सेवर की सेटिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ से कर सकते हैं डाटा सेवर, आप यहाँ से दो डाटा सेव कर सकते हैं। उसके बाद है ऑटो प्ले, वीडियो जो ऑटो प्ले होती है इसकी यहाँ सेटिंग, यहाँ से भाई ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, ठीक है। तो यहाँ से कहता है आपका डाटा हो या वाईफाई हो सबसे जो आपकी जो है ऑटो प्ले, जो जितनी भी वीडियो है ऑटो प्ले होने लगेगी, जो न्यूज़ फीड में मतलब आपके फीड में जब आप चलाओगे रील्स हैं वो सारी ऑटो प्ले हो जाएंगी। उसके बाद है नेवर, तीन ऑप्शन होते हैं भाई, वाईफाई से कर लो या भाई आप वाईफाई डाटा दोनों पे चलाना चाहते हो, मैं तो वाईफाई पे कर रखी है मैंने, या फिर नेवर पे भी कर सकते हो, कभी नहीं चलेगी, ठीक है, मैंने तो उस पे कर रखी है। उसके बाद है वीडियो स्टार्ट विद साउंड्स, ठीक है। तो आप चाहते हो कि जो भी वीडियो आपके में चले तो जैसी वीडियो आएगी वो स्टार्ट हो जाएगी साउंड के साथ, तो इसको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ऑन या ऑफ कर सकते हो कि आप चाहते हो साउंड के साथ चले या नहीं चले, तो यहाँ से बंद कर लेंगे। उसके बाद है रिड्यूस 3D फोटो में मोशन, ठीक है। इसको 3D फोटो आते हैं तो भाई वो हिलते रहते हैं, अगर आप चाहते हैं हिले ना तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना, यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद है साउंड इन द ऐप, ठीक है भाई। ये साउंड होता है जैसे आप लाइक वाइक करते हैं, कोई रिएक्शन देते हैं तो वहाँ पे पॉपअप की आवाज़ आती है, अगर यहाँ से बंद कर दोगे तो भाई वहाँ से वो आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। आप चाहते हो आपको अच्छी आवाज़ लगती है तो यहाँ से ऑन भी कर सकते हो। चलिए भाई यहाँ से बैक चलते हैं। उसके बाद आते हैं योर टाइम ऑन फेसबुक, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसमें आपको पता लग जाएगा भाई आप कितने टाइम के लिए फेसबुक पे आप आए थे, सी योर टाइम, सी हाउ मच, भाई आप कितना टाइम अपने उस पर फेसबुक पे व्यतीत कर रहे हो, क्योंकि भाई आजकल सोशल मीडिया का ज़माना तो है ही, तो हमें पता लगता है भाई आप रोज़ कितना टाइम, तो यहाँ से अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। भाई आप 10 मिनट देना चाहते हैं या 20 मिनट देना इसी टाइम पर कर देंगे ना, तो ये देखिए भाई इसमें सारा टाइम दे रखा है कि कितना टाइम एवरेज दिस वीक 2 मिनट, क्योंकि मैं इस वाली ऐप को यहाँ पे इस वाले फ़ोन में यूज़ करता नहीं, दूसरे फ़ोन में उसमें यूज़ करता हूँ भाई, वैसे तो मैं ज़्यादा ही करता हूँ,
तो यहाँ पे भाई इसमें इसमें फिलहाल 0 और 2 मिनट्स है, तो आपका जितना भी आप टाइम दिया होगा आपका सारा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वीकली अपडेट, रिसीव एंड अपडेट ईच हाउस मैनेज योर टाइम ऑन फेसबुक, ठीक है। तो हर हफ्ते भी आपको एक अपडेट मिल जाएगा, वहाँ से आप या सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको ऑन कर दोगे ना तो हर हफ्ते आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि भैया वहाँ से फिर आप देख के मैनेज कर सकते हो भाई आप कितना टाइम मुझे अपनी फेसबुक ऐप पे देना है, ठीक है। तो ये बड़ी मस्त वाली सेटिंग है, चलते हैं। उसके बाद है भाई डार्क मोड, भाई ये मोड वाली सेटिंग तो बड़ी मस्त है, इससे आप बैटरी बचा सकते हो। अब जैसे देखो मेरे में सिस्टम वो चल रहा है, अगर मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा ना तो ये देखिए यहाँ से डार्क मोड अभी यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब इसे दोबारा चलते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको सेटिंग्स के अंदर जाके, और ये देखिए भाई ये है डार्क मोड। अब यहाँ से मैं इसे ऑफ ऑन कर दिया ना, अब मैं ऑफ कर देता, देखो सारा वाइट हो जाएगा। ये देखिए भाई ये कुछ इस तरह हो जाता है, यहाँ से वाइट हो जाता है, वहाँ से जो है वो अगर डार्क मोड अभी ये वाइट कर दोगे तो वाइट में भाई बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसको आप डार्क मोड करके रखना, उससे बैटरी आपकी बहुत कम यूज़ होगी। मैं तो सिस्टम वाले पे करता हूँ, सिस्टम में जब करूँगा मैं ब्लैक तो ब्लैक हो जाएगा, डार्क करूँगा और जब उसे वाइट करूँगा तो वाइट हो जाएगा, लाइट मोड में हो जाएगा। चलिए भाई फिर से सेटिंग्स के ऊपर दबा देते हैं, अब चलते हैं और नीचे का सेटिंग और बताते हैं, वो है भाई प्रोफाइल लॉकिंग, ठीक है। तो ये क्या है भाई, आप अपने प्रोफाइल को लॉक कर सकते हो, अगर आप चाहते हो भाई हर कोई आपका प्रोफाइल ना देखे, आपके फोटोज वीडियो, तो आप यहाँ पे लॉक योर प्रोफाइल वाला बटन दबा के अपने प्रोफाइल को लॉक कर सकते हो। क्या मैंने दबा दिया, अब प्रोफाइल जो है लॉक हो चुका है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा योर लॉक्ड योर यू लॉक्ड योर प्रोफाइल, ओके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लॉक हो चुका है, अब कोई भी अदर पर्सन जो जो मेरा फ्रेंड नहीं है वो इसको मेरे को चेक नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। तो फिलहाल भाई मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ, तो यहाँ से ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अनलॉक का, अनलॉक करना भी ईजी है, यहाँ से अनलॉक कर दीजिए, अनलॉक योर प्रोफाइल कर दीजिए, बस आपका प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी मस्त वाली सेटिंग है, तो यहाँ से चलते हैं बैक। उसके बाद भाई नीचे आपको आ जाएगी प्रोफाइल डिटेल, यहाँ पे आपके प्रोफाइल की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट के बारे में आ जाएगा, जो आप पोस्ट करते हो ना, फोटो डालते हो, हु कैन सी योर पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा भाई फ्रेंड्स देख सकते हैं या पब्लिक, आप पब्लिक मतलब कोई भी जो आपके फ्रेंड्स नहीं है वो भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स के बाद आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से दोस्त आपके देखना चाहते हैं। इसी तरह से भाई तीनों सेटिंग है, स्टोरीज रील्स इन सब में आप जो है सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है भाई ब्लॉकिंग, आप यहाँ से किसी को ब्लॉक भी कर सकते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं है, आपको परेशान कर रहा है कुछ भी, तो आप यहाँ से ब्लॉक कर दो, वो बिल्कुल हाइड हो जाएगा, ना आपको दिखेगा ना उसको आपका कुछ भी दिखेगा, प्रोफाइल में कुछ भी फोटो वीडियो रील्स कुछ भी नहीं दिखेगा, तो यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद भाई एक्टिव स्टेटस, ये भी बड़ा तगड़ा वाला है। इसके अंदर क्या होता है, जब भी भाई ऑनलाइन होते हैं ना दूसरे बंदे को पता लग जाता है, वहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट लग जाता है, तो उससे पता लग जाता है कि ये बंदा इस टाइम ऑनलाइन आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ से कर दोगे ना, इसको ऑन कर दोगे, तो शो व्हेन यू आर एक्टिव, ठीक है। तो आप उसको जो है योर फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी कैन सी यू एक्टिव, तो यहाँ से क्या है, वो जब भी आप एक्टिव रहोगे तो उनको पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा इस टाइम पे यहाँ पे एक्टिव है और आपको मैसेज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ से आप इसको ऑफ करना चाहें टर्न ऑफ एक्टिव स्टेटस तो टर्न ऑफ कर सकते हैं, और ऑन करना चाहते हैं तो भाई ऑन कर ही सकते हैं। मैंने फिलहाल इसको ऑफ कर रखा है, तो आप ऑन ऑफ जो भी कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है कि दूसरे बंदे को पता नहीं लगेगा कि आप किस टाइम ऑनलाइन आए या इस टाइम फिलहाल ऑनलाइन हो या नहीं हो, ठीक है भाई। तो ये एक्टिव स्टेटस के बारे में हो गया। उसके बाद भाई और नीचे चलते हैं, उसके बाद है यहाँ पे एक और काम की चीज़ दिखा देता हूँ, बस सेटिंग तो बहुत सारी हैं पर जो मुझे आपके लिए काम की लग रही है मोनी को आपको बता रहा हूँ। तो चलिए भाई यहाँ से एक सेटिंग और देख लेते हैं, अब ये है यहाँ पे एक्टिविटी लॉग, ठीक है। तो ये भाई आपकी सारी एक्टिविटी बता देगा कि आपने क्या क्या एक्टिव करी, योर पोस्ट्स एक्टिविटी और टैग्ड इन, किसने आपको टैग कर रखा है, इंटर कितने आपने लाइक रिएक्शन कमेंट्स आपने करे, वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको किसी को लाइक करा क्या करा। तो भाई ये एक्टिविटी लॉग वाली भी बहुत तगड़ी सेटिंग है। एक्टिव लॉग इज वेयर यू कैन व्यू एंड मैनेज योर फेसबुक एक्टिविटी, सारे पोस्ट टैग सारे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।